दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे गुमनाम फिल्म के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, और साथ ही जानेंगे इस फिल्म से जुड़े कुछ अनसुने फैक्ट्स के बारे में भी। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। गुमनाम सन 1965 में आई एक मिस्ट्री थ्रिलर ड्रामा फिल्म थी। इस फिल्म में नंदा, मनोज कुमार, प्राण, हेलन, महमूद, धूमल, मदनपुरी, तरुण बोस और मनमोहन नजर आए थे। इस फिल्म को राजा नवाते ने डायरेक्ट किया था, इसे प्रोड्यूस किया था एम ए मधु और एन एन सिप्पी ने, और इस फिल्म की कहानी चरणदास सोख ने लिखी थी और इस फिल्म के डायलॉग्स भी उन्होंने लिखे थे। इस फिल्म को 24 दिसंबर सन 1965 में रिलीज किया गया था। अगर बात करें बजट की तो इस फिल्म का बजट 57 लाख था और इस फिल्म ने इंडिया में 1,30,00,000 कलेक्शन किया था। आपको बता दूं कि इस फिल्म ने अपने पहले दिन में 45,000 का कलेक्शन किया था, तो अपने पहले हफ्ते में 6,00,000 का कलेक्शन किया था। अगर वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म ने 2,60,00,000 का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया था और फिल्म हिट साबित हुई थी। अगर बात करें इस फिल्म के IMDb रेटिंग की तो इस फिल्म को 7.1 रेटिंग मिले और ये फिल्म सन 1965 की 8वीं हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म रही थी। वहीं बात करें म्यूजिक की तो इस फिल्म के म्यूजिक शंकर जयकिशन ने दिए थे, इसके लिरिक्स शैलेंद्र और हसरत जयपुरी ने लिखे थे। इस फिल्म में कुल 8 गाने थे और इसके सभी गाने हिट रहे थे, पर फिल्म के 2 गाने, पहला गुमनाम है कोई और दूसरा हम काले हैं तो क्या हुआ दिलवाले हैं, ये 2 गाने सबसे ज्यादा पॉपुलर रहे थे और आज भी पॉपुलर है। तो चलिए इस फिल्म से जुड़े कुछ फैक्ट के बारे में जानते हैं। नंबर 1, इस फिल्म की कहानी सन 1939 में आई मिस्ट्री नॉवल एंड देन देयर वेयर नॉन पर आधारित थी। नंबर 2, इस फिल्म के लिए महमूद को मनोज कुमार और नंदा से भी ज्यादा फीस मिली थी, जिसके चलते मनोज कुमार और महमूद के बीच में खटास आ गई थी। नंबर 3, सन 2001 में आई हॉलीवुड फिल्म घोस्ट वर्ल्ड की ओपनिंग सीन में गुमनाम फिल्म का जान पहचान हो वाले गाने का फुटेज दिखाया जाता है। नंबर 4, इस फिल्म की शूटिंग अप्रैल सन 1964 से शुरू हुई थी और जनवरी सन 1965 में जाकर खत्म हुई थी, जबकि इस फिल्म की शूटिंग को नवंबर तक खत्म होना था क्योंकि वे सभी अपनी बाकी फिल्मों की शूटिंग में भी व्यस्त थे और वे इस फिल्म के लिए टाइम नहीं दे पा रहे थे। नंबर 5, मनोज कुमार इस फिल्म से महमूद का हम काले हैं तो क्या हुआ दिलवाले हैं वाला गाना हटवाना चाहते थे और डायरेक्टर उनकी बात मान भी गए थे, लेकिन अंत में इस गाने को वापस फिल्म में रख लिया गया था और ये गाना बहुत ही ज्यादा हिट हुआ था। तो दोस्तों, आपको ये फिल्म कैसी लगी थी और आप इस फिल्म को 5 में से कितनी रेटिंग देना चाहोगे हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और ऐसी ही वीडियो पाना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूले ताकि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।